राजधानी देहरादून में तापमान पिछले कई दिनों से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। तापमान बढ़ने के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है, जिसके चलते नगर निगम ने इस बार पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी। साथ ही बीते 23 मार्च से वार्ड वाइज फॉगिंग का काम भी शुरू हो गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि इस बार डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए निगम लगातार प्रयासरत है और जहां भी जलभराव की शिकायत मिल रही है वहां पर नगर निगम तत्परता के साथ काम कर रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आपको भेजे थे कि वर्तमान में तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है और अगले एक आध हफ्ते में लोग अनुमान भी लगा रहे हैं कि शायद हो सकता है वर्षा ऋतु शुरू हो जाए, तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी पहले से ही मार्च के महीने से ही हमारा 23 मार्च से हमारी फॉगिंग का कार्य चल रहा है और जो गत वर्ष में जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा हुए थे उन सब की लाइन लिस्टिंग है हमारे पास, उन्हीं क्षेत्रों में अभी हमारा मेन फोकस है। चूंकि अभी जल भराव की कई स्थिति नहीं है, इस वजह से जो है हम लोग अभी फिलहाल वहाँ पर जो है लाबी साइड का जो छिड़काव है पहले एक ग्राउंड हम लोग कर चुके हैं। अगले कुछ दिनों में हम लोग की ऑलरेडी कार्य योजना बनी हुई है, जैसे कि हम लोगों को आदेशित भी किया गया है सचिन महोदय की तरफ से, तो वार्ड वाइज जो है हम लोग जल जमाव जहाँ पे संभावना है या फिर नदी है नाले हैं उनकी सफाई भी नियमित रूप से जो है की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की जो है लार्वा एक्टिविटीज़ को हम लोग जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकें। इसी के साथ साथ जो है हम लोगों का जो है स्वास्थ्य विभाग के साथ भी समन्वय स्थापित है जिसमें हम लोग आशाओं की भी मदद लेंगे सोर्स रिडक्शन के लिए।